हेलो दोस्तों, राजदीप क्लासेस में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि अकाउंटिंग क्या होती है और उसके साथ साथ बेसिक टर्मिनोलॉजी ऑफ अकाउंटिंग में कुछ परिभाषाएं को भी हम साथ साथ देखने वाले हैं। इसके पहले के वीडियो में हमने सीखा था कि हम टैली प्राइम पढ़ते क्यों हैं और कौन कौन अकाउंटिंग कर सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हम देखेंगे कि अकाउंटिंग क्या है। अकाउंटिंग जो होती है किसी व्यापार या व्यवसाय के वित्तीय यानी फाइनेंशियल लेन देन का लिपिबद्ध रिकॉर्ड रखने, उसका क्लासिफिकेशन करने, सारांश प्रस्तुत करने, उसका विवरण रिपोर्ट तैयार करने और उनका एनालिसिस करने की कला को ही अकाउंटिंग कहते हैं। अब देखेंगे हम टर्मिनोलॉजी ऑफ अकाउंटिंग में। सबसे पहले हम देखेंगे ट्रेड यानी व्यापार क्या होता है। लाभ कमाने के उद्देश्य से किया गया वस्तुओं का क्रय विक्रय व्यापार कहलाता है। यानी कोई भी हम लाभ कमाने, धन कमाने के लिए जो भी हम काम करते हैं वो हमारा व्यापार कहलाता है। नेक्स्ट देखेंगे पेशा यानी प्रोफेशन क्या होती है। आय अर्जित करने के लिए किया गया कोई भी काम या कोई भी साधन जिसके लिए पूर्व प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है पेशा कहलाता है। जैसे डॉक्टर, वकील, टीचर, इंजीनियर द्वारा किया गया कार्य पेशा कहलाता है। प्रोफेशन वही होता है जिसके पहले हमें एजुकेशन की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट देखेंगे बिजनेस यानी व्यापार। व्यापार क्या होता है? ऐसा कोई भी वैधानिक काम जो आय या लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से किया गया हो व्यवसाय कहलाता है। व्यवसाय एक व्यापक शब्द है जिसके अंतर्गत उत्पादन, वस्तुओं या सेवाओं का क्रय विक्रय, बैंक, बीमा, परिवहन कंपनियां आदि आते हैं। व्यापार व पैसा भी इसी के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट देखेंगे ट्रांजेक्शन यानी लेन देन। व्यवसाय में माल, मुद्रा या सेवाएं के पारस्परिक व्यवहार या आदान प्रदान को लेन देन यानी ट्रांजेक्शन कहते हैं और ये सभी मुद्रा द्वारा मापे जाते हैं। चूंकि ये मुद्रा से संबंधित हैं इसलिए इन्हें फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन भी कहते हैं। इसमें मुद्रा का भुगतान तुरंत या फ्यूचर में हो सकता है। ट्रांजेक्शन जो है, जब सौदे का तुरंत भुगतान किया जाता है तब वह नगद ट्रांजेक्शन कहलाता है यानी कैश ट्रांजेक्शन कहलाता है। जब भुगतान फ्यूचर में किया जाता है तब उसे उधार लेन देन यानी क्रेडिट ट्रांजेक्शन कहते हैं। नेक्स्ट देखेंगे परचेस यानी क्रय क्या होती है। पुनः विक्रय के उद्देश्य से यानी बेचने के उद्देश्य से व्यापार में खरीदा गया माल क्रय यानी खरीदी कहलाता है। व्यापार में माल को नगद या उधार खरीदा जा सकता है जिसे कैश परचेस या क्रेडिट परचेस कहते हैं। मान लीजिए कि अगर आपने अपने दुकान के संचालन के लिए कोई फर्नीचर खरीदा है उसे आप परचेस नहीं कहेंगे। विक्रय। विक्रय क्या होती है? पुनः विक्रय के उद्देश्य से यानी बेचने के उद्देश्य से व्यापार में खरीदा गया माल विक्रय कहलाता है। व्यापार में माल को नगद या उधार बेचा जा सकता है जिसे कैश सेल्स यानी क्रेडिट सेल्स भी कहते हैं। नगद और उधार विक्रय को मिलाकर कुल विक्रय को टर्नओवर कहा जाता है। नेक्स्ट देखेंगे राजस्व यानी रेवेन्यू क्या कहलाता है। रेवेन्यू से आशय ऐसी राशि से है जो माल अथवा सेवाओं के विक्रय से नियमित रूप से प्रदान होती है। साथ ही व्यवसाय के दिन प्रतिदिन की क्रियाकलापों से प्राप्त होने वाली राशियां जैसे किराया, ब्याज, कमीशन, डिस्काउंट आदि भी रेवेन्यू के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट देखेंगे आय यानी इनकम क्या होता है। एक व्यक्ति या संगठन की आय यानी वह धन है जो वे कमाते हैं या प्राप्त करते हैं। वैसे आय एक व्यापक शब्द है, इसमें लाभ भी शामिल रहता है। आय दो प्रकार की होती है। पहला है
प्रत्यक्ष यानी डायरेक्ट इनकम, इसके अंतर्गत ऐसी सभी प्राप्तियां आती हैं जो हमारे मुख्य कार्य से प्राप्त होती हैं। जैसे व्यापार की स्थिति में यदि आप कुछ बेच रहे हैं तो उसका जो भी मूल्य प्राप्त हो रहा है वह डायरेक्ट इनकम में आएगा। जैसे आप कोई बिजनेस किए हैं और उस बिजनेस में कोई सामान बेच रहे हैं, एग्जाम्पल के तौर पे अगर आपने कोई बिस्किट बेचा, अब बिस्किट का मूल्य अगर आपका 5 रुपीज में परचेस किए हैं और 7 रुपीज में अगर सेल कर रहे हैं तो 2 रुपीज आपका इनकम कहलाएगा जो डायरेक्ट इनकम के अंतर्गत आएगा। नेक्स्ट देखेंगे अप्रत्यक्ष आय यानी इनडायरेक्ट इनकम। मुख्य व्यवसाय के अलावा जो भी इनकम होती है वो अप्रत्यक्ष आय यानी इनडायरेक्ट इनकम कहलाती है। नेक्स्ट देखेंगे एक्सपेंसेस यानी व्यय। एक व्यक्ति या संगठन का व्यय यानी एक्सपेंसेस वह धन है जो हम अपने काम के दौरान कुछ खर्च करते हैं। यह भी 2 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट है प्रत्यक्ष व्यय यानी डायरेक्ट एक्सपेंसेस। इसके अंतर्गत हमारे मुख्य कार्य से संबंधित जो भी सीधे खर्च होते हैं वे आते हैं। जैसे व्यापार की स्थिति में यदि आप बेचने के लिए कुछ खरीदते हैं या खरीदे हुए माल पर सीधे कोई खर्च करते हैं तो उसे उस पर जो धन खर्च होता है उसे प्रत्यक्ष व्यय यानी डायरेक्ट इनकम एक्सपेंसेस कहते हैं। जैसे अगर आपने कोई सामान खरीदा अपनी दुकान के संचालन के लिए और गोदाम तक लाने में जो किराया लगता है वो भी आपकी डायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंतर्गत आएगा। नेक्स्ट देखेंगे अप्रत्यक्ष व्यय यानी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। इनका संबंध वस्तु के क्रय या उसके निर्माण से न होकर वस्तु की बिक्री कार्यालय व्यय से संबंधित होता है। सरल शब्दों में कह सकते हैं मुख्य व्यवसाय से संबंधित जो भी सीधे खर्च होते हैं उनको छोड़कर शेष सभी खर्च इसके अंतर्गत आते हैं। जैसे दुकान के संचालन या कंपनी के संचालन के लिए जो पोस्टर बनवाना होता है, पोस्टर में जो खर्च लगेंगे वो भी आपके इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट देखेंगे ब्याज यानी इंटरेस्ट क्या होती है। व्यापार में जब हम किसी से कर्ज लेते हैं या फिर किसी को लोन देते हैं तो उस लोन राशि के उपयोग के बदले में लोन देने वाले को एक निश्चित दर से प्रतिफल के रूप में कुछ राशि देनी पड़ती है जिसे ब्याज कहते हैं। कई बार हम किसी सप्लायर से ज्यादा दिनों की उधारी पर माल खरीदते हैं तो उस लंबी अवधि के लिए भी हमको ब्याज देना पड़ सकता है। इसके विपरीत यदि किसी कस्टमर को लंबे अवधि के लिए सामान उधार माल बेचा तो उस पर हम ब्याज ले सकते हैं। नेक्स्ट छूट यानी डिस्काउंट ये क्या होता है। व्यापारी द्वारा अपने ग्राहकों को दी जाने वाली छूट या रियायत को ही डिस्काउंट कहते हैं। जब हमें किसी से डिस्काउंट प्राप्त होता है तो उसे डिस्काउंट रिसीव्ड कहते हैं और जब किसी को डिस्काउंट दिया जाता है तो उसे डिस्काउंट अलाउड कहते हैं या डिस्काउंट गिवन कहा जाता है। यह 2 प्रकार का होता है। फर्स्ट है व्यापारिक छूट यानी ट्रेड डिस्काउंट। व्यापारी माल बेचते समय ग्राहकों को माल के मूल्य में कुछ कमी राशि में कमी करता है या बिल की राशि में से कुछ राशि कम करता है। इस तरह की छूट को बिल में ही कम कर दिया जाता है, इसे ही ट्रेड डिस्काउंट कहा जाता है। नेक्स्ट देखेंगे नगद छूट यानी कैश डिस्काउंट। व्यापारिक चलन के अनुसार प्रत्येक ग्राहकों को एक निश्चित अवधि में भुगतान करने की सुविधा प्रदान की जाती है। अगर ग्राहक निश्चित अवधि के पहले ही भुगतान कर दे तो उसे कुछ छूट दी जाती है जिसे कैश डिस्काउंट कहते हैं और वो डिस्काउंट जो होती है वो परसेंटेज के रूप में दी जाती है, जैसे 2%, 3%। और ये डिस्काउंट देने का मेन मकसद ये होता है कि कस्टमर आपकी पेमेंट को जल्द से जल्द पेमेंट करने की प्रेरित की जाती है। नेक्स्ट देखेंगे कमीशन। कमीशन क्या होता है। जब किसी व्यक्ति या संस्था को किसी का काम करने जैसे कुछ खरीदने या बेचने में सहायता देने या अन्य कोई काम करने के प्रतिफल स्वरूप कुछ पारिश्रमिक मिलता है तो उसे कमीशन कहते हैं। यानी आप जैसे मान लीजिए कोई प्रचार प्रसार करवाना हो, एडमिशंस करवाने हो, कोई सामान बेचने हो, उस पे जो कमीशन दी जाती है
वो आपकी इसी कमीशन के अंतर्गत आते हैं, वो कैश या परसेंटेज के रूप में हो सकती हैं। नेक्स्ट देखेंगे सेवा यानी सर्विस क्या होती है। वर्तमान में सेवा का अर्थ बड़ा व्यापक हो गया है। अपने व्यवसाय में हम कई प्रकार की सेवाओं का उपयोग करते हैं, जैसे हम अपने कंप्यूटर सप्लायर से अपना कंप्यूटर सुधरवाते हैं या कंप्यूटर में कोई नया सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करवाते हैं, तो ये उसके द्वारा दी गई सेवाएं कहलाती हैं। ये काफी आज के टाइम में बहुत ही यूजफुल हो चुका है, क्योंकि कोई भी इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट अगर बिकता है तो उसपे आपकी सर्विसेज का ऑफर दी जाती है, 2 इयर्स, 1 इयर्स या 1.5 इयर्स। नेक्स्ट देखेंगे कस्टमर्स यानी ग्राहक क्या होता है। ग्राहक हम जिसे माल बेचते हैं वह हमारा कस्टमर कहलाता है। नेक्स्ट विक्रेता यानी सप्लायर। सप्लायर क्या होता है, हम जिससे माल खरीदते हैं उसे हम सप्लायर कहते हैं। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो, यूजफुल लगी हो, तो लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा। ऐसे अपडेटेड वीडियो हम आपके लिए लाते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। बाय बाय।